देखिए हमने प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव की बात की कर दी थी पास्ट पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव की बात की। अब पार्ट थर्ड है ये हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस का थर्ड है ये इंट्रोगेटिव। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, वॉज ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड जिनके शुरू में आता है तो उसमें हमें क्या करना है, वॉज या वर्ब का यूज करना सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल है, क्या वे खेल रही थी, तो क्या वे खेल रही थी, तो देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम कहाँ से शुरू करें, था से, तो वॉज, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, और शी लड़की है तो वे लड़की है तो शी, वॉज शी अब प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले उसमें आई एन जी प्लेइंग, वे खेल रही है तो वॉज शी प्लेइंग, वे खेल रही है। क्या वे नहीं हंस रहे थे, तो अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या वे नहीं हंस रहे थे, तो दे, सॉरी यहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब दे, देखिए हमने क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग लाया है, हेल्पिंग वर्ब जो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाया, सब्जेक्ट दे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे पहले वर्ब का यूज किया, तो वर दे, अब ये यहाँ पे नॉट का भी यूज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव दोनों है, वर दे नॉट वर की फर्स्ट फॉर्म लाफ उसमें आई एन जी लाफिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो लगाना है इसमें। अब आता है क्या वे अपना खेत जोत रहा था, तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का यूज करेंगे हम यहाँ, वॉज ही, ठीक है, अब वे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज ही जोतने के लिए लगाते हैं प्लॉगिंग, पी एल ओ यू जी एच प्लॉग और आई एन जी प्लॉगिंग, ठीक है, वॉज ही प्लॉगिंग हिज फील्ड, हिज फील्ड क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन पानी पी रहा था, तो वॉज मोहन, वॉज मोहन, अब देखिए मोहन जो हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने वॉज यूज का यूज किया, वॉज मोहन, अब लाएंगे हम ड्रिंक पीने के लिए, ड्रिंक उसमें आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक आई एन जी ड्रिंकिंग वाटर, वाटर क्वेश्चन मार्क, क्या वे लड़के गीत गा रहे थे, तो क्या वे लड़के गीत गा रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब द बॉयज, वर द बॉयज सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या यहाँ पर सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों ने, देखिए क्या वे खेल रही थी तो वॉज शी प्लेइंग, क्या वे नहीं हंस रहे थे तो वर दे नॉट लाफिंग, ठीक है, क्या वे अपना खेत जोत रहा था तो वॉज ही प्लॉगिंग His field, क्या मोहन पानी पी रहा था तो was Mohan drinking water, क्या वे लड़के गीत गा रहे थे तो were the boys singing a song, ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले। देखिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन वर्ड जो जिसमें बीच में आता उसकी, तो वे क्या खा रहा था तो what was he eating, वे क्या खा रहा था, ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ आया, बीच में, जिन सेंटेंसों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है वो हम उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं उसके बाद में वॉज या वर्ब का यूज करते हैं, तो वे क्या खा रहा था तो व्हाट वॉज ही ईटिंग, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, अभी देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है इसमें, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कैसे यूज करेंगे, देखिए तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे तो वाई वर, अब देखिए वर इसका क्यों लगाया हमने, सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो वाई वर यू नॉट, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, ठीक है, हम और सेंटेंस में क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में वॉज या वर्ब के बाद में नोट यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर हमने कहा सब्जेक्ट के बाद में वाई वर
यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हमारा है वे शाम को कहाँ खेल रहा था, सिंगुलर है इसलिए वेयर वॉज ही। अब देखिए हमने वॉज का यूज किया क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग हम वॉज या वर्ग का यूज करते हैं। तो वेयर वॉज ही प्लेइंग इन द इवनिंग, वे शाम को कहाँ खेल रहा था। तुम उसका समय क्यों नष्ट कर रहे थे, वाई वर यू वास्टिंग हिज टाइम। तुम उसका समय क्यों बर्बाद कर रहे थे, ठीक है, तो इसके लिए देखिए तुम प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हमने यू से पहले हमने वर्ग का यूज किया, ठीक है, तो वाई वर यू वास्टिंग हिज टाइम, तुम उसका समय क्यों बर्बाद कर रहे थे। तो गाइस हमारा ये जो टॉपिक था ये क्लियर हो कम्प्लीट हो गया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। तो ये सारे तीन पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। आप लोग इसे ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।